मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। और गले के लिए, गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो, उसका गड़गड़ गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले। बोलते बोलते आवाज बैठ जाए, गोमूत्र पी लो, ठीक कर देता। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डाल लो यहां पर, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो ये हल्दी गले में लाल के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाएगा। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते, मत कराना कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन, मत कराना, ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे सीधे गले में डाल दो, खांसी एक मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो, तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी का, अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो, अदरक का रस एक चम्मच और उसमें मिलाओ एक चम्मच शहद, और थोड़ा सा मिलाओ एक चम्मच पान का रस, पान यही जिसको हम खाते हैं, तो अदरक शहद और पान तीनों का रस एक एक चम्मच, ये पी ले कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक है। खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गर्म करके पी लो तो भी खांसी ठीक हो रही है। ये जो अमरूद है ना, अमरूद, अमरूद को गर्म करके खा लो, ये तुरंत खांसी बंद करा देगा। ऐसे अमरूद खाओगे ना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गर्म करके खाओ तो खांसी खत्म कर देता है, यही अमरूद। काली मिर्च है, काली मिर्च ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है, मुंह में डाल के चूस लो तुरंत खांसी बंद। लौंग बहुत अच्छी दवा है, क्यों बॉल दिखी नहीं? गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। ओए, ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी। विराट बोली मुंह से भी बल्ले से भी विक्स की गोली के साथ। भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये अमेरिकन कंपनी है। ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है, उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं, इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों, विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है,
सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है? हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का, और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता। ये कानून है, हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून। सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस देके बैठी है। और ये कैसे होता है? ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो। ये अपराध है बोलना, टेलीविजन क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहां ये हो रहा है, कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है, 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा रहे। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है? ये बनती है पेट्रोलियम जेली से, और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15-20-25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है, और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है। और सरकार इस घोटाले में शामिल है, सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कंपनी लूट रही है पूरे देश को, और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिकती पूरी दुनिया। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत? ये हमारे